हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूपस एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुना। ठीक है, गुना मल्टीप्लिकेशन इसको डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, 46 को 2 से गुना या मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 46 को 2 से गुना करें। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 46 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 46 को 2 से गुना करें, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 46 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब हम 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी एक संख्या को अगर हम दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जिस संख्या में हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे 46 संख्या है जिसमें हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, गुना करना चाह रहे हैं, और किससे गुना करना चाह रहे हैं, दो संख्या है जिससे हम गुना करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किस में गुना करना चाह रहे हैं, किसको गुना करना चाह रहे हैं, 46 को। तो जिसको गुना करना चाह रहे हैं उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, 46। ठीक है, अब हम क्या है, जिसमें गुना करना चाह रहे हैं उसको लिख लिए, अब जिससे गुना करना चाह रहे हैं, है ना, उसको बाद में लिखेंगे। और उसको हम कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरह जैसे हम एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में लिखते थे कि इकाई, इस संख्या के इकाई स्थान के नीचे दूसरी संख्या के इकाई अंक को ही लिखना है। ठीक है, या फिर पहली संख्या के दहाई अंक के नीचे दूसरी संख्या के दहाई का अंक ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अरेंज करके लिखना है ताकि पहली संख्या के इकाई के नीचे दूसरी संख्या का इकाई का अंक आ जाए, दूसरी पहली संख्या के दहाई अंक के नीचे दूसरी संख्या का दहाई का अंक आ जाए। इस पैटर्न को अचीव करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, जो दूसरी संख्या होती है उसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो सिर्फ 2 है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट 2 को हम यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब मल्टीप्लाई हम देखिए किस तरह से हमें लिखना है, ये समझ में आ गया। पहले जिस संख्या में हमें गुना करना है उस संख्या को लिखेंगे, फिर इस जिस संख्या में गुना करना है उसको पहले लिखेंगे, और जिस संख्या से हमें गुना करना है उस संख्या को इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले इकाई का स्थान वाला अंक लिखेंगे, फिर दहाई वाला, फिर सैकड़ा वाला, है ना, या फिर सबसे पहले जो सबसे राइट में होगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो लेफ्ट में होगा, फिर उसके लेफ्ट में, फिर उसके लेफ्ट में जो होगा उसको लिखेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, इस जो दूसरी संख्या है इसके इकाई अंक से पहली संख्या के सारे अंकों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस संख्या का इकाई का अंक कौन सा है, 2 है, तो 2 से हमें क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से इस सारे में हमें मल्टीप्लाई कर देना है, सभी अंक को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 लिखते हैं। ठीक है, इकाई वाला अंक जो रहता है सिर्फ वही लिखेंगे, उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब बच गया हमारे पास कितना, 1 बच गया। ठीक है, अब 1 को क्या करेंगे बताते हैं। अब देखिए, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 दुना 6, 6 हो गया। अब 6 में हमें क्या ऐड करना है, जो इधर बचा हुआ था हमारा पहले में, ये इस हमारा जो बचा हुआ था इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 था
तो एक को इसमें हमें क्या करना है, ऐड कर देना है इसमें। इक्वल टू कितना होगा, सेवन। अब इस सेवन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना हो गया हमारा, सॉरी आठ हो गया ना, ये आठ है तो आइट प्लस वन नाइन हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका नाइन, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमें देखना है। ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखें, सबसे पहले 24 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको टू क्या हो जाएगा, 12, है ना। 12 तो 12 का हम 2 क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे। रेस्ट हमारा क्या बच गया, 1। तो 1 हमारा क्या है, कैरी ओवर है, ठीक है। अब हम 1 को क्या करेंगे, जो हमारा कैरी ओवर होगा, जो हासिल रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, बाद में हम ऐड करेंगे। देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके साथ। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। अब 6 में हम ऐड करेंगे क्या, जो हमारा कैरी ओवर आ गया था वो। तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री टू मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2, इसके नीचे 2 मल्टीप्लाइड का साइन दे दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3, ठीक है। इसमें हमको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 3 2, इसके नीचे हम जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। तो आ गया, पहले संख्या के इकाई के नीचे दूसरी संख्या के इकाई का अंक, पहली संख्या के दहाई अंक के नीचे दूसरी संख्या के दहाई वाला अंक, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या के इकाई वाले अंक से पहली संख्या के सभी अंकों को मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं। थ्री टू टू थ्री, सॉरी हमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखना है, 3 2। अब देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम 3 वाला देख लेते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अगेन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब दूसरा में देखिए क्या करना है, 3 से हो गया मल्टीप्लाई, सब सारे अंक को मल्टीप्लाई कर दिए हैं ऊपर के। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से पहले इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। अब हम 4 को क्या करेंगे, एक अंक छोड़ करके, यहाँ पे एक अंक छोड़ करके दूसरे अंक से लिखना स्टार्ट करेंगे। एक अंक छोड़ करके, पहला वाला अंक छोड़ करके इसके दूसरे वाले अंक के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगेन 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे, भले इसके यहाँ इसके नीचे इसके बाद कोई अंक हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी अब क्या करना है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे। यहाँ पे, यहाँ पर क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे।
एडिशन में क्या करेंगे, जैसे देखिए 6 के नीचे कौन सा अंक है, कुछ नहीं है, तो 6 को एज इट इज 6 लिखेंगे। 9 के नीचे कौन सा अंक है, 4 है, तो 9 को 4 से हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 का हम 3 लिखेंगे, एक हमारा कैरी ओवर हो गया, इस एक को हम बाद में जोड़ देंगे, इस वाले अंक में जोड़ देंगे, तो 6 हो गया, 6 में एक जोड़ दिया, देखिए इसके 6 के ऊपर कौन सा अंक है, कुछ नहीं है, तो 6 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हमारा इसका इस वाले अंक का कैरी ओवर भी रह गया इस वाले अंक संख्या का 1, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। थ्री टू सिक्स फोर को मल्टीप्लाई करें 3 4 से, तो सबसे पहले हम ये वाला अंक लिखेंगे 3 2 6 4, देन इसके नीचे हम क्या करेंगे, जिससे हमको मल्टीप्लाई करना वो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हमें हम इसको लिखेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, तो पहले 4 उसके बाद फिर 3। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, 4 को ये जो इकाई वाला अंक है इसको हम, ये जो 4 है इस 4 को हम इसके सारे ऊपर का जो संख्या है उसके सभी अंक से पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। ठीक है, ऐसे करके सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 4 4 4 4 2 4 कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 16 का हमें 6 लिखना है, 1 हमारा कैरी ओवर लिखना है, इसको हम बाद में ऐड कर देंगे। अब देखिए 4 है और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, 24 में ये एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब इसको हटा देते हैं, 25 हो गया, तो 25 का जो 5 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये 2 जो है वो हमारा कैरी ओवर हो गया, इसको हटा दीजिए, सिर्फ 2 रह गया हमारा। अब देखिए 4 × 2 = कितना हो जाएगा 8, और 8 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 का जो ये 0 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और 1 जो रह गया ये हमारा कैरी ओवर हो गया। ठीक है, तो 1 को हम क्या करेंगे, आगे हम इसको ऐड कर देंगे, तो 4, अब 2 से हो गया मल्टीप्लाई, अब 4 × 3 = कितना हो जाएगा 12, अब 12 प्लस ये जो हमारा कैरी ओवर था = कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हम लिखेंगे, एक हमारा कैरी ओवर हो जाएगा, 3 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे राइट, अब हमारा अब 3 हटाइए, एक हमारा कैरी ओवर आ गया था। अब देखिए इसके आगे पीछे कोई अंक नहीं है, तो अब हमारा जो कैरी ओवर था उसको एज इट इज़ जो हासिल था उसको एज इट इज़ हम इसके जस्ट पहले लिख देंगे, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्लियर, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, आई क्या कुछ मिस्टेक हो गया क्या, ये देखिए नेक्स्ट हमें क्या देखना है, 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 हो गया, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में ऊपर की संख्या के सभी अंक के साथ, 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें लिखना कैसे है, एक एक अंक छोड़ करके दूसरे अंक के नीचे से लिखना हम शुरू कर देंगे। चलिए 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, तो 12 का 2 हम क्या करेंगे इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, इसको हटाइए, एक हमारा कैरी ओवर हो गया, हासिल हो गया, अब एक को हम बाद में लिखेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, है ना 18, और 18 में एक जो है हमारा जो कैरी ओवर था उसको ऐड करेंगे, 1 = कितना हो जाएगा 19, ठीक है, अब इसको हटाइए कैरी ओवर को, अब 19 में से हम क्या करेंगे 9 को हम क्या लिखेंगे इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, और एक जो है वो हमारा कैरी ओवर रह गया। ठीक है, एक जो हमारा वो क्या है कैरी ओवर रह गया, हासिल रह गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और जो हमारा कैरी ओवर पहले था 1 उसको ऐड कर देंगे इसमें, = कितना हो जाएगा 7, 7 को हम इसके नीचे लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 से, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है।
अब हमारा यहाँ पे कैरी ओवर कुछ नहीं था, तो 9 जो आया है उसको हम एज इट इज़ 9 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ऐड करने के बाद क्या आएगा, अब सबको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 6 एज इट इज़ 6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में इसके नीचे कोई अंक नहीं है, ठीक है। 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, 5 और 2 को जो कितना हो जाएगा 7, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 का 0 लिखेंगे, एक हमारा कैरी ओवर हो गया, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए 9 और 1 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 लिखेंगे और एक बज गया, तो एक को इसके बगल में जस्ट एज इट इज़ लिख देंगे, 11 हो गया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर थ्री टू वन थ्री टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री टू थ्री वन, ठीक है। तो सबसे पहले जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखेंगे, फोर थ्री टू वन थ्री टू, उसके बाद जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन कैसे, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 2 फिर 3, पहले 1 लिखेंगे फिर 3 फिर 2 फिर 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे अंक के साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 into 1 2, फिर 1 into 3 3, फिर 1 into 1 1, फिर 1 into 2 2, अगेन 1 into 3 3, फिर 1 into 4 4, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके साथ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 into 2 3 into 2 6, इसके एक अंक छोड़ करके लिखेंगे 3 into 3 9, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12 का 2। अब हमारा कुछ नहीं है तो हम 1 भी यहीं पे लिख देंगे, ठीक है 12, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 2 से, तो 2 को भी, 2 से भी हम क्या करेंगे, सारे डिजिट में सारे अंक में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, इसमें भी क्या करेंगे एक अंक छोड़ करके, 2 into 2 4, 2 into 3 कितना हो जाएगा 6, 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, 2 into 3 कितना हो जाएगा 6, 2 into 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट ये बच गया, इसको भी ऊपर के जितने भी अंक हैं सभी अंक के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 into 6, तो 6 हम क्या करेंगे इसके इस अंक को छोड़ देंगे, इसके बाद वाले अंक के नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे, 3 into 2 कितना हो जाएगा 6, 3 into 3 कितना हो जाएगा 9, 3 into 1 कितना हो जाएगा 3, 3 into 2 कितना हो जाएगा 6, 3 into 3 कितना हो जाएगा 9, 3 into 4 कितना हो जाएगा 12 का 2। अब आगे कुछ नहीं है तो 1 जो हमारा बच गया कैरी ओवर, उसको हम यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। अब इस समय अब देखिए अब यहाँ पे कुछ बचा और नहीं है, तो बस हो गया हमारा। अब इसको हम सबको ऐड कर देते हैं, एडिशन कर देंगे। तो देखिए 2 के नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो 2 का एज इट इज 2 लिखेंगे, 3 के नीचे क्या है 6, तो 6 3 9, 1 के नीचे कितना है 9, तो 9 1 10, और इसके नीचे कितना है 4, तो तीनों को जोड़ देंगे, 9 1 10 4 14 का 14 का 4, और एक हमारा कैरी ओवर हो गया हासिल, तो इसको एक हम इसके बाद में हम जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 6 कितना हो जाएगा 11 6 17, और एक हमारा हासिल था, तो 17 1 18 का 8, फिर से एक हमारा हासिल रह गया, पहले वाला हट गया। अब देखिए कितना 6 3 9 2 11 9 20, और एक हासिल, तो कितना 21, 21 का एक हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, 2 हमारा हासिल हो गया, इसको हटाइए इसको हटाइए। अब देखिए कितना जाएगा 9 4 13 4 17 3 20,
और 2 हमारा हासिल रह गया था, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 2 है वो हमारा हासिल रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 और 2 14 का 14 और ये 2 हमारा था हासिल, तो 14 और 2 16, 16 का हम 6 क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे और 1 हमारा जो है वो हासिल रह जाएगा। ठीक है, फिर 8 और 9 17, 1 18 और 1 हासिल जो था 19 का 9 और 1 हमारा हासिल रह गया है। ठीक है, अगेन 2 और 1 ये हमारा हासिल था, कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 एज इट इज लिख देंगे, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और भी सेम वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। अब जैसे देखिए 46 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसको हम क्या कर लेते हैं 46 लिखते हैं फिर 2 को नीचे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 2 इंटू 6 12, 2 एक रह गया, फिर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 92 हो गया, क्लियर है। तो अब देखिए 46 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 2 से। ठीक है, तो ये जो 46 है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, या फिर इसको गुण्य, ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ठीक है, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं गुणक। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, अब देखिए ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नोट, किसी भी अंक या संख्या में 0 से गुना करने पर गुणनफल या प्रोडक्ट, इसको बोलिए 0 होता है। ठीक है, एग्जांपल 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, देखिए कैसे 24 को 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 0। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2, 4, 6, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, कैसे 2, 4, 6, 3, 0, 0 मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 6 को 0, अगेन 0 से 4 को 0, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, फिर 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 6 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, सबको 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीप्लाई 0 को 2, 3, 0, 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0, 1। ठीक है, इसको हम देखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 2, 3, 0, 2, 1, इसके नीचे क्या लिखेंगे 1, 0, 2,
देखिए, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो को थ्री टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। अब देखिए टू रह गया तो टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टू, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर। अभी सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखिए ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, वन का वन, टू प्लस जीरो टू, जीरो से हम जीरो में, जीरो को किसी संख्या में हम ऐड जोड़ते भी हैं तो वही संख्या में मिलता है, तो टू प्लस जीरो टू हो जाएगा। अब देखिए जीरो प्लस जीरो प्लस टू कितना हो जाएगा, टू ही रह जाएगा। देखिए फोर प्लस जीरो कितना हो जाएगा, फोर, अब प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सेवन, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस टू टू, जीरो प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स, फोर का एज इट इज़ फोर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नोट टू जीरो, शून्य को शून्य से गुना करने पर शून्य मिलता है। ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो इंटू जीरो को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखिए नोट थ्री, किसी भी संख्या या अंक को एक से गुना करने पर वही अंक या संख्या मिलता है। ठीक है, अभी एग्जांपल देख लीजिए, 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो क्या मिलेगा, 21 ही मिलेगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, है ना। 2, 8, 9, 6, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या मिलेगा, 2, 8, 9, 6, 9 ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये चीज़ हो गया क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, 2, 4, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1, 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2, 4, 6, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3, 1, 1, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18 को 8 लिखेंगे और 1 हमारा हासिल रह गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, इसको काट दीजिए। अब 13 का 3 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, है ना, और 1 हमारा हासिल हो जाएगा, उसको बाद में जोड़ेंगे। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और एक 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो गया, है ना। अब देखिए, अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 ही रह जाएगा। 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 1 रह गया तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी अंक में, सभी डिजिट में, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐड करते इसमें इसको एज इट इज लिखेंगे, 8 का 8, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10, प्लस 7, 17, 17 का 7 हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, एक हमारा कैरी ओवर हो गया, इसको हम हासिल ले लेंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8, और एक ये कितना हो जाएगा, 8 एक 9। ठीक है, अभी हमारा हट गया, अब 2 का 2 लिख दीजिए, यह होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब जिसे देखिए टू थ्री, टू को
टू फोर से, है ना, अगेन को 12 से, को 9 से गुना करें। इसका मतलब क्या हुआ, 232 को 24 से गुना करना है, इससे जो गुणनफल मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। अब इससे भी जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम कैसे लिखेंगे, 232 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। इसका मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इससे जो मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 12 को, फिर इससे जो मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 9 को, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 232 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 1 हमारा हासिल हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9, ये कट गया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, इसका टू कितना हो जाएगा, 8, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 15, 5, 1 हमारा हासिल हो गया, फिर 4 और कुछ नहीं है तो प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 5, 5, 6, 8 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5, 5, 6, 8, 12, 16, 1 हमारा हासिल है, 6 दुना 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 5 दुना 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, फिर 5 और 2 10 और 1 11 का 1 और हासिल भी 1, यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए, अब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8, 6, 5 इंटू 1 5, अगेन 5 इंटू 1 5, इसको ऐड कर दीजिए, 6, 8 प्लस 3 इसको टू कितना हो जाएगा, 11 का 1 हासिल 1, फिर 6 1 7 और 1 8, ये हट गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये आ गया। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 9 के साथ, 9 तो कितना हो जाएगा, 6, 6, 8, 1, 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 छक के 54 का 4 हासिल 5, फिर कितना हो जाएगा, 9 का 9 इंटू 9, ठीक है, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, है ना, इसको हटाइए, अब 14 में से 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और 1 हमारा हासिल रह गया, 9 थे 72, 72 में ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 73, 73 का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 7 हमारा हासिल बच जाएगा, 3 हट गया 4 हट गया। अब देखिए अगेन न छ के 54 और 7 कितना हो जाएगा, 54, 54 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 1, 1 हासिल है तो 5 और 1 6, 61, तो 61 का हम क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 6 जो है वो हमारा हासिल रह गया, ठीक है, हासिल हमारा कितना रह गया, 6, इसको बताइए। अब देखिए 9 छक्के 54 और 6 कितना हो जाएगा, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 60, तो 60 का 0 हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और 6 हासिल, अब देखिए कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो अब 6 का हासिल जो था हमारा, आज इट इज 6, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर, है ना। तो इसका जो आंसर हो गया हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो ये जो है, ये जो हमारा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 601344, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टू। इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी को भी उठा किसी भी दो नंबर को उठाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, है ना। तो किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी इसमें जो है कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता है, है ना। आप किसी भी दो कॉम्बिनेशन को उठा करके मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको किसी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली लेफ्ट टू राइट हम लोग जनरली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वैसे आप राइट टू लेफ्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें ये जो मल्टीप्लाई, अगर मान लीजिए हम लेफ़्ट टू राइट करना चाहेंगे, तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में भी आप कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में कैसे, पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो प्रोडक्ट मिला उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो प्रोडक्ट मिला उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट किसी भी डायरेक्शन में आप लोग जा सकते हैं, इसमें कोई इशूज़ नहीं होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, सिक्स। तो यहाँ पर सिक्स लिखेंगे आप, बाकी को एज इट इज़ उठा कर लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 नहीं 36, है ना। और बाकी को एज इट इज़ लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई टू। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 72। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 72, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो सेम वे में करना है, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना, 8। अब बाकी को एज इट इज़ लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 24। बाकी को एज इट इज़ लिख दीजिए जैसा है, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 और 7 को 24, 7 सचों का 28। कितना हो जाएगा सचों का 28, तो 28 का 8 28 है, तो 28 का 8 हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 बज के हासिल, 7 9 14 2 16, ठीक है। तब देखिए, तो 168 को हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, बाकी जैसे है इसको एज इट इज जैसे है वैसे लिख देंगे, 3 इंटू 8 इंटू 5। फिर देखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 168 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना, 38 24 का 4 हासिल, 2 छतरी का 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। 20 का 0 यहाँ लिखेंगे और 2 हमारा हासिल हो जाएगा, 3 और 2 5, ठीक है। अब देखिए, 504 मल्टीप्लाइड बाय, बाकी को जैसे वैसे लिख देंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 504 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना, 8 32 का 2 हासिल, 3। 8 और 0 को गुना करेंगे तो कितना 0 आ जाएगा, आप प्लस 3, 0 प्लस 3 इसकल टू 3, इसको हटा दीजिए, 8 5 40 का 40 आ गया, 40 का 0 लिखेंगे। अब देखिए कुछ नहीं है, तो हासिल भी साथ में यहीं पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये कितना 4 0 3 2। बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 5, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4032 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 5 9 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 के 6 हासिल 1। फिर 5 को 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हासिल कितना है, 1, तो 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 5 का 20 का 0 हासिल 2, तो आगे कुछ नहीं है, तो हासिल भी यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। तब कितना हो जाएगा हमारा, 20.60, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20160, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है।
ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है या फिर गुना, इसको सिंबल मल्टीप्लाई ये भी लिखते हैं या फिर का भी लिखते हैं या फिर को भी लिखते हैं, इस सब का मतलब होता है गुना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए,